एक सेल का स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, यहां पर हमने बनाए क्रोमैटिन फाइबर्स। किसी भी इंडिविजुअल सेल में सेल डिवीजन के टाइम पर ही क्रोमोसोम होते हैं, उसके पहले उसमें क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 46 क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स नहीं होते। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। अब हम यहां पर 46 क्रोमोसोम्स तो नहीं बना सकते, हम क्या बना सकते हैं, 4 क्रोमैटिन फाइबर्स हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। इसके अलावा यहां पर 1 पेयर सेंट्रियोल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। ये सेल है G1 फेज में। किस फेज में है? गैप 1 फेज में। इस फेज में सेल ने अपना आरएनए और प्रोटीन बना लिया। क्या बना लिया? आरएनए एंड प्रोटीन। जब हम इस एक क्रोमैटिन फाइबर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इस एक क्रोमैटिन फाइबर के अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है और साथ में ये येलो कलर का हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही सेल G1 से S फेज में आती है, S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इस डीएनए से नया डीएनए बनेगा और हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। तो अब क्रोमैटिन किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में। किसमें कन्वर्ट हो गया? क्रोमोसोम में। तो S फेज में आकर ये जो 4 क्रोमैटिन फाइबर्स थे, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 क्रोमोसोम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 क्रोमोसोम में। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। ये सेल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, और ये जो 4 क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? 4 क्रोमोसोम में, ठीक है। एस फेज में ही किसका रेप्लिकेशन होता है? सेंट्रियोल का। किसका रेप्लिकेशन होता है? तो सेंट्रियोल के 1 पेयर की जगह अब कितने पेयर हो जाएंगे? 2 पेयर्स। यस और नो? एस फेज के बाद कौन सी फेज आएगी? G2 फेज। G2 फेज में भी सेल अपना क्या बनाएगी? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। क्लियर ये पॉइंट? तो पहले एस फेज के पहले का स्टेटस क्या था? ये। एस फेज के बाद का स्टेटस क्या है? ये। क्लियर ये चीज? सेंट्रियोल्स भी पेयर में आ गए और क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो गए? क्रोमोसोम्स में। किसमें कन्वर्ट हो गए? क्रोमोसोम्स। क्लियर ये चीज? इसको बनाओ G1 फेज, फिर यहां लिखना S फेज, उसके बाद ये G2 फेज।